अल्लाह हाफिज। चलो क्या ज्यादा नहीं लाएंगे, बहुत ज्यादा लेके आएंगे। चलो 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 आज मेरे साथ नर्सरी चलो। यू नो पेड़ पौधे लगाना ना अपने आप में एक थेरेपी है, इससे आपकी टेंशन दूर हो जाती है और आपकी गार्डन ना आपके ऐसे फ्रेंड है जिनसे आप किसी भी टाइम मिल सकते हो। वेदर इतना अच्छा हो चुका है कि अब टाइम आ गया है नए नए फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स घर में लाने का और उनको लगाने का। और यू नो मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी तो पता नहीं मेरे पास इतना टाइम होगा कि नहीं कि मैं नर्सरी जाके नए नए पौधे लेके आ पाऊँ, क्योंकि बेरली मेरे पास इतना टाइम होगा कि जो घर में ऑलरेडी प्लांट्स है ना उनको पानी दे पाऊँ। तो आज मैं नर्सरी जा रही हूँ, वहाँ से मैंने लिया ये आम का पौधा, इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और ये मैं लगाऊंगी और जब इसमें से एक भी फ्रूट निकलेगा ना तो मैं वीडियो में अपडेट जरूर दूंगी। और एक ही नहीं, मैंने आज 4-5 नर्सरी विजिट की है, हर तरह के मतलब मैंगो में भी काफ़ी वैरायटी होती है ना, कुछ रेड कलर वाले मैंगोज, कुछ दशहरी मैंगो, लंगड़ा मैंगो, और मैं तो मेनली ये ढूंढ रही थी कि पॉट्स में लगाने वाले मैंगो, क्योंकि मेरे पास जमीन तो है नहीं, शहर में जमीन कहाँ मिलेगी, तो मैं गमले में लगाऊंगी और गमले में बस ये एक तरह से ऑर्नामेंटल की तरह से यूज़ करेंगे। और जितने भी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट्स हैं ना ये सब मैं लगाने वाली हूँ, तो उनमें से कुछ चीकू, नींबू या फिर अमरूद, ये सारे पौधे भी थे। और मेरे पापा और मेरी बहन गए थे मेरे साथ, तो मेरी बहन तो मस्ती करने लगी थी, इधर उधर घूम रही थी। एंड यू नो ये फ्लावर प्लांट ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन होने लगता है। मतलब फ्लावर्स देखना, उनमें से फ्रूट निकलना और उसको ग्रो करते हुए देखना अपने आप में एक नया ही एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी चीज़ें तो मैंने पहले से ही लगा रखी है अपने टेरेस गार्डन में, लेकिन कुछ कुछ मैं हमेशा न्यू लेके आती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट तो सीजनल होते हैं ना, तो वो तो एक टाइम के बाद फिर से मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, तो रिन्यू करना पड़ता है अपने गार्डन को। तो मेरी बहन, मेरे पापा और मैं तीनों लोग गए थे, हमने उस एरिया की सारी नर्सरी में छानबीन की, अलग अलग तरह के मैंगो की वैरायटी देखा और गुआवा की वैरायटी देखा, एक मैंने ग्रेप्स का प्लांट लिया था। और हमें एक अलग सी चीज़ देखने को मिली थी, वो थी बर्ड नेस्ट, देखे काफ़ी क्यूट सा लग रहा था, तो हमने भी बर्ड नेस्ट खरीद लिया कि हम अपने घर में लटकाएंगे, मैं भी स्पैरो आके उसमें आए और अपने मतलब अंडा दे, बच्चे निकाले, ये सब देखूंगी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और इतना करते करते ना मेरी बहन बहुत थक गई थी। और एक चीज़ बताती हूँ, मेरे घर में ये कुछ मैंने लगाया था मटर के चने के पौधे और धनिया टमाटर, तो मटर छोटे छोटे से निकल गए हैं, छोटे छोटे से टमाटर निकले हुए हैं, ये सब देख के ना बहुत जॉय वाली चीज़ है। और जो मैंने पालक लगाया था, उन पालक में अब सीड्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं और धनिया में भी सीड निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो पहले तो मैंने धनिया पत्ती के लिए धनिया पत्ती हार्वेस्ट करती थी, अब देखती हूँ उसमें से कितना सीड निकलता है, बेरली 10-20 ग्राम ही सीड निकलेगा, बट इट्स ओके, लेट्स सी क्या होता है।